गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा जो आज का नया टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हालांकि इस यूनिट इस टॉपिक के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा क्लास 10th में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट किए थे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक रहा है क्लास 10th में। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर हम शुरू करें तो उसमें सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट यानी कि ऑयरस्टेड पहला व्यक्ति था। ऑयरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है। ऑयरस्टेड पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यानी व्हेन करंट पास थ्रू वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल और ये वायर ए बी जिसमें करंट ए से बी की ओर जा रहा है। जब करंट ए से बी की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन इस तरह से देखो मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, ये रही मैग्नेटिक नीडल। लेकिन जब करंट ऐसे जाता है तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल यहां से यहां। लेकिन जब मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता हूं, यहां पर करंट ए से बी जा रहा था, यहां पर करंट ए से बी जा रहा था और इधर करंट बी से ए आ रहा है, इधर करंट बी से ए आ रहा है, तो निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी पलट गई। तो जब करंट ए से बी जाता है तो डिफ्लेक्शन इधर है, जब करंट बी से ए आता है तो डिफ्लेक्शन अपोजिट है। तो ऑयरस्टेड ने तो ये बताया, ऑयरस्टेड ने बताया जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और यहां देखो जब किसी वायर में से करंट पास किया मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होना, जब किसी करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होना, ये इंडिकेट करता है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो ऑयरस्टेड ने क्या बताया कि व्हेन करंट पास थ्रू वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए जब देखो ए से बी गया तो डिफ्लेक्शन इधर, बी से ए गया डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। तो इस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है स्नो रूल। क्या रूल है? स्नो रूल। स्नो रूल कहता है इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ that deflection of magnetic needle is towards west। अगर current की direction south से north है तो deflection is towards west and vice versa। देखो ये north होता है, ये south, ये east, ये west। मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया, अब north ये हो गया, south ये east और ये west। अब देख लो अगर current की direction साउथ से नॉर्थ है, मैं इसको साउथ मान लू, ये नॉर्थ मान लू, तो साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो डिफ्लेक्शन इज, जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दू, अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जाए तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट।
यानी अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जाए तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो दिस रूल ऑयस्टेड ने तो यह बताया कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? स्नो रूल। अब किसी करंट में वायर में से जब करंट पास होता है किसी वायर में से जब करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ऑयस्टेड ने बताया। लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, उसके लिए हमारे पास है बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने एक फार्मूला दिया, एक लॉ बताया जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या किया, उसके लिए मैंने सपोज कर लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट डीएल और ये पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ ने कहा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट पी इज, पहला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। जब मैं इन चारों को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास आ गया डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया डीबी। स्टूडेंट मैंने आपको बताया तो मैं इसको लिख सकता हूं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, वेयर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो कहने का मतलब है मैंने इस म्यू नॉट की वैल्यू जब मैंने यहां रखी, ये लीजिए मेरे पास ये आ गया, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया और मेरे पास आ गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू 10^-7 आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। अगर मैं बायोट सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, मैं बता दूं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डीबी इज इक्वल टू 10^-7 आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, आर इधर जाकर हो गया आर क्यूब और आर इधर आ गया, ये आ गया डीएल आर साइन थीटा। तो डीएल आर साइन थीटा को क्या लिख लिया? डीएल क्रॉस आर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, आई स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ को लिख लिया, और यूनिट होती है टेस्ला। दूसरा पॉइंट, इससे एक चीज क्लियर हो गई
कि डायरेक्शन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। यानी हमारे पास थ्री रूल्स हैं क्या निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर बता देता हूं, ये डिलीट करके इन रूल्स के बारे में आपको यहां बताता हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट रूल, पहला है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, यानी आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के, ठीक है, जे इज इक्वल टू के क्रॉस आई हमने पढ़ा है, और के इज इक्वल टू हमने पढ़ा था इस तरह से आई जे के, आई जे के, तो के इज इक्वल टू आई क्रॉस जे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब आई, वाई एक्सिस का मतलब जे, जेड एक्सिस का मतलब के। अब अगर हमारे पास स्मॉल एलिमेंट डीएल, अगर मेरे पास डीएल, यानी डीएल कहां है, एक्स एक्सिस, आर कहां है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। अगर डीएल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर का मतलब एक्स एक्सिस यानी आई, आर का मतलब वाई एक्सिस जे। अब आई क्रॉस जे किसके कॉल होता है, के, तो के का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, जेड एक्सिस की। यानी अगर ये डीएल, अगर हमारे पास ये डीएल है, ये आर है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मतलब यानी कहने का मतलब है डीएल क्रॉस आर, देख लो आप, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो डीएल क्रॉस आर, आप देख लें, डीएल क्रॉस आर ये आर है, ये हमारे पास क्या है, आर, डीएल क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक डायरेक्शन ऑफ डीबी किसको ओबे करता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल को। दूसरा है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, दूसरा राइट हैंड थंब रूल। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल में हमने पढ़ा था, ये लीजिए, अगर मेरे पास ये डीएल है, ये आर है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मैं अलग से बना देता हूं, डीएल क्रॉस आर यानी डीएल क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डीएल क्रॉस आर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, क्लियर है, मेरी बात समझ गए। और एक और है मैक्सवेल स्क्रू, राइट हैंड थंब रूल हो गया, अब मैक्सवेल स्क्रू रूल में क्या होता है आपको पता है, ये लीजिए, ये मैक्सवेल स्क्रू रूल, मेरे कहने का मतलब है, देखो डीएल क्रॉस आर, अगर मैं इसको स्क्रू को ऐसे ले जाऊं, देखो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब डीएल क्रॉस आर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, अपवर्ड। देखो इसको जब मैं ऐसे करता हूं, इसी डायरेक्शन में रोटेट करता हूं, तो कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है,
यानी मैक्सवेल्स रूल। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मेरे पास तीन मेथड हैं, थ्री मेथड्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। अब इस केस में देखो, डीएल यहां है, आर यहां पर है, तो कहां होगी डायरेक्शन? आप देख लें, मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल, मैंने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल किया, जहां पर डीएल और आर, देखो तो थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड। तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड। मैं बता दूं, इस होल का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आउटवर्ड। और क्रॉस का मतलब होता है, अगर मैं इस तरह से होल बना दूं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आउटवर्ड है। और क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड, अवे फ्रॉम यू, अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड विद प्रॉपर लिमिट। एक्चुअली बायोट सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। बायोट सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट। चौथा पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला, लेकिन सीजीएस में इसकी यूनिट होती है गॉस। और वन टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10^4 गॉस। वन टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10^4 गॉस। स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट यानी क्या होगी? टेस्ला। लेकिन इसको सीजीएस में, इन सीजीएस, ये फॉर्मूला कब है? एसआई में। लेकिन इन सीजीएस इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? इसको क्या लिख सकते हैं? आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर गॉस। क्योंकि सीजीएस में, इन सीजीएस म्यू नॉट अपॉन 4π इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 1। म्यू नॉट अपॉन 4π इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयरस्टेड ने बताया कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये किसने बताया? ऑयरस्टेड ने। बायोट सावर्ट्स लॉ ने फार्मूला दिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो जाती है। उस फॉर्मूले से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बायोट सावर्ट्स लॉ ने हमें फार्मूला दिया था, जिस डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। और कुछ स्पेशल केसेस भी मैंने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना और साथ साथ बुक में से भी पढ़ना, बहुत इजी है। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बायोट सावर्ट्स लॉ। स्टूडेंट्स, अब कुछ कंसेप्ट जो बायोट सावर्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट ऑफ 1 cm एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स देखो, आप इसमें हमारे पास, आप देख लें, गिवन है,
गिवन है करंट एलिमेंट डीएल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 10^-2 मीटर लिख सकते हैं। आर आर कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर थीटा 45 डिग्री। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास आई गिवन है 10 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर ये हमारे पास डीएल, ये आर, ये थीटा और ये हमारे पास आई। और मेरा जो फॉर्मूला है यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में पीछे रह जाते हैं, तो स्टूडेंट्स यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ फॉर्मूला है db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, db इज इक्वल टू 10^-7 म्यू नॉट अपॉन 4π क्या होता है 10^-7 I कितना है हमारे पास 10 एम्पियर आई है 10 एम्पियर। डीएल को लिख सकता हूं 10^-2 मीटर, ये रहा डीएल, क्लियर है। साइन थीटा साइन 45 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10^-2 का स्क्वायर टेस्ला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डीबी इज इक्वल टू 10^-7 इंटू 10^-2 1/√2 देख लें, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये आ गया मेरे पास 1/25 × 10^-4। अब देख लें तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/25√2 10^-7 +1 − 2 + 4 −7 + 1 − 2 − 4 ऊपर जाकर +4 और ये आ गया 1/25√2 इंटू 1 − 7 − 2 − 9 + 5 − 4 टेस्ला। ये मेरे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आ गया मेरे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, आप चेक कर लें ये आ गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच क्वाड्रेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी 0 एज शोन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। यानी इस क्वेश्चन में एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है, दूसरी वायर में करंट ये जा रहा है, आप देख लें करंट की डायरेक्शन, और इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। वो कह रहा है कि इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में या किन किन क्वाड्रेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, ये लीजिए ध्यान से समझे और गेस कीजिए, खुद ही गेस करो क्या आंसर होना चाहिए, सोच लिया सबने, ये लीजिए आई और ये आई। मैंने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल में अगर अंगूठा करंट है, ये अंगूठा जो है करंट है, अंगूठा करंट है, तो उंगलियां क्या हैं मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ गए, तो ये लीजिए यहां पर
ये करंट, ये क्या है हमारे पास करंट। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। इसकी वजह से यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहां अब देख लें, यहां से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जा रही है तो इनवर्ड और यहां से बाहर आ रही है तो आउटवर्ड। इस केस में यहां से मैग्नेटिक फील्ड आप देख लें, जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ये रहा, आप देख लें करंट यहां से उंगलियां अंदर जा रही हैं और यहां से उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो आप देख लें यहां इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड और यहां पर इसकी वजह से क्या होगा आउटवर्ड। आप देख लें यहां पर क्या है, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि यहां पर भी दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? एक वायर, ड्यू टू दिस वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड ड्यू टू दिस वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पर संभावना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है और यहां पर भी डायरेक्शन क्या है, एक की वजह से इनवर्ड है और इस वायर की वजह से आउटवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट, इज अपोजिट इन डायरेक्शन। Hence, यहां पर भी नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होगी, जो दो क्वाड्रेंट हैं, दो क्वाड्रेंट हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, वो कौन कौन से हैं? Hence, B should be zero in quadrant one and quadrant two, in quadrant one and quadrant three, in quadrant one, in quadrant three, in quadrant one and quadrant three। यहां पर जीरो नहीं होगी क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम बायट सावर्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल और भी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरा था आज का टॉपिक, बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।